आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर तथा योग है। क्या अंतर हुआ दोनों में? आत्मख्यातियों और तात्पर्यवृत्ति की गाथाओं के अर्थ को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। तात्पर्यवृत्ति की गाथाओं में तो ये बताया है, ज्ञान दर्शन चारित्र योग संवर और प्रत्याख्यान में आत्मा ही है, किंतु आत्मख्याति में इन सभी को आत्मा कहा गया है। तो इनमें आत्मा है कि यही आत्मा है, क्या कहा जाए? चूंकि इन सब का विषय एक आत्मा है, ये सब आत्म सन्मुख हो रहे हैं, इस अपेक्षा से इनका विषय आत्मा, इसलिए कहा कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र इनमें सब में आत्मा है, इस रूप में कहा। और आत्मख्याति में जो कहा गया उस रूप परिणत पर्याय को भी, जब निर्मल पर्याय होती है तब उसे आत्मा कहने की पद्धति है। अमृतचंद्राचार्य ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सम्यक दर्शन आदि की चर्चा करते हैं, आत्मरूपम तत् कहते, आत्मरूप है, आत्मा ही है। गुण और गुणी का अभेद किया जाता है तब ज्ञान को ही आत्मा कह दिया जाता है। तो ये भी एक पद्धति है, अभेद करके कथन करने की पद्धति है। उस अपेक्षा से इन सबको आत्मा ही कहा, चूंकि आत्ममय हो गए हैं, आत्मा के प्रति समर्पित हो गए हैं, जब निर्मल रूप से परिणमित हो रहे सभी, इसलिए इन सबको भी आत्मा ही कहा। समान सी दिखने वाली ये गाथाएं आत्मख्याति और तत्प्रवृत्ति के बंधाधिकार में एक ही क्रम में एक ही स्थान पर आई है, माने बिल्कुल आत्मख्याति में लिख दिया आदाखु मज्झ नानम और वहां लिखा कि आदाखु मज्झ नाने, इस अंतर, इस प्रकार के बस इतने अंतर के साथ उसमें आई है। यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि तात्पर्य वृत्ति में अब पुनरावृत्ति प्रकरण की आवश्यकता अनुसार ही हुई है, पर हुई है, पुनरावृत्ति है। ऐसी गाथाएं तो ध्यान में है कि जो आचार्य कुंद कुंद के विभिन्न ग्रंथों में हूबहू पाई जाती हैं, पर एक ही ग्रंथ में अनेक बार पाई जाने वाली गाथा अभी तक यह एक ही ध्यान में आई है, बिल्कुल एक सी ही यहाँ भी है और आगे जा कर के वहाँ भी इसी तरह से लिया गया। तब आगे अगली गाथा के लिए बढ़ते हैं। पिछली गाथा में कहा गया है, जो व्यक्ति शुद्ध नय के विषय भूत अबद्ध स्पृष्ट आदि भावों से संयुक्त भगवान आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है, क्योंकि वह शुद्ध आत्मा ही संपूर्ण जिन शासन का मूल प्रतिपाद्य है, प्रतिपादन केंद्र बिंदु है। उसी शुद्धात्मा की महिमा बताते हुए इस गाथा में कहा गया है, यह भी इसी अतिरिक्त गाथा के लिए कह रहे हैं, वह आत्मा ही इन आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, प्रत्याख्यान है, संवर है, योग है, सब कुछ वह एक शुद्धात्मा ही है। उस शुद्धात्मा की आराधना से, साधना से ही ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति होती है, प्रत्याख्यान होता है, संवर होता है, योग भी होता है। इसलिए आत्मा में है या यही आत्मा है ऐसा कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आने वाली गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन की प्रेरणा दी जाएगी और साथ में यह भी कहा जाएगा कि निश्चय से तीनों को एक आत्मा ही जानो। अब आगामी गाथा की उत्थानिका रूप कलश, 15वां कलश। ईश ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिमभीप्सुभि साध्य साधक भावेन द्विधैकः समुपास्यताम्। क्रिया निकाली जाए तो क्या निकाली जाएगी? समुपास्यताम। और लकार कौन सा है इसमें? लोट लकार है। लोट लकार किस अर्थ में आता है? आज्ञार्थ है, आज्ञार्थ में है। इसका मतलब आचार्य यहाँ हमें आज्ञा दे रहे हैं कि क्या करो, समुपास्यताम, उपासना करो। और सम उपसर्ग लगा दिया तो इसका मतलब अच्छी तरह से उपासना करो, अच्छी तरह से करो या सम्यक उपासना करो, सच्ची उपासना करो। कौन सी सच्ची उपासना है, किसकी सच्ची उपासना कही जा सकती है? एकः समुपास्यताम,
बस एक उपासना करने योग्य है, एक की उपासना करो। एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, बस एक को साध लो, सब सिद्धि हो जाएगी। एक आत्मा की साधना करो। एक का वैसे भी अर्थ आत्मा होता है, यहाँ तो आत्मा अलग से भी लिया जा रहा है। एक कहा कौन है वह एक की आत्मा, कैसा ज्ञान घन, कौन सा ईशा ज्ञान घनो आत्मा नित्यम। नित्यम क्रिया विशेषण लगाएं कि आत्मा का विशेषण लगाना, नित्यम क्योंकि आत्मा के साथ आता तो नित्यः आता, एकः नित्यः ऐसा होता, इसलिए क्रिया विशेषण ही लगाना पड़ेगा। कब करे आत्मा की, ऐसे आत्मा की, एक ज्ञान घन ऐसे इस आत्मा की उपासना कब की जाए कि नित्यम, वो सदैव उपासना करने योग्य है। सदैव नित्य उपासना करने योग्य यदि कोई है तो एक आत्मा है। भगवान की उपासना, जिनेन्द्र भगवान की उपासना, देवशास्त्र गुरु की उपासना कभी कभी की जाती है। ज्ञानी धर्मात्मा अपने स्वरूप में नहीं टिक पाते हैं तब करते हैं, और स्वरूप में पहुंचते तो छूट जाती है। अज्ञानी अज्ञान में उलझा हुआ है, विषय कषाय में उलझा हुआ है, उसे तो कभी कभी स्मरण आता है, वो तो कभी कभी होने योग्य है। लेकिन आत्मा की उपासना नित्य करने योग्य है। नित्यम कौन करे, सिद्धिम अभिप्सु भी, जो सिद्धि की इच्छा करते हैं, अभिप्सु जैसे जिज्ञासु, तो सिद्धि की प्राप्ति अभिप्सु, और बहुवचन कर दिया उसे, तो सिद्धिम अभिप्सु भी, ये समुपास्यताम उनके द्वारा उपासना करने योग्य। सिद्धिम अभिप्सु भी समुपास्यताम उनके द्वारा उपासना करने योग्य है, वे उपासना करें जो सिद्धि की इच्छा करते हैं। सिद्धि के किसे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना है, परिपूर्ण निर्मल शुद्ध दशा निराकुल सुख की प्राप्ति करना है, यही वास्तविक सिद्धि है। और जगत की सिद्धियां क्या काम आने वाली हैं, कब तक काम आने वाली हैं, इसलिए एक वह परिपूर्ण मुक्त दशा की प्राप्ति, या ये कहा जाए आत्मा की सिद्धि करना चाहते वह आत्मा की उपासना करे। मोक्षार्थी की आत्मार्थी क्या प्रयोजन है हमारा, मोक्ष है कि आत्मा है, मोक्ष को पकड़े रहेंगे तो मोक्ष आएगा नहीं, और आत्मा को पकड़े रहेंगे तो आत्मा तो पकड़े में आएगा ही, मोक्ष भी आने वाला है। तो आत्मार्थता, आत्मा की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि होती तो मुक्ति की प्राप्ति सहज होती है, तो मुक्ति की सिद्धि भी कहे। पर्याय अपेक्षा से मोक्ष की सिद्धि और द्रव्य अपेक्षा से आत्मा की सिद्धि, आत्मा का अनुभवन, आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा को प्रकट करना, ये इस सिद्धि को जो प्राप्त करना चाहते, सिद्धिम अभिप्सु भी नित्यम आत्मा समुपास्यताम, सदैव आत्मा की उपासना की जानी चाहिए। कैसा आत्मा, तीन विशेषण दे दिए समझ लीजिए, दो ही ज्ञान घन और एक, एक ज्ञान घन ऐसे आत्मा की उपासना करो। कैसे करे, जैसे बने वैसे करो। जैसे बने माने कैसे, दो प्रकार बता दिए, साध्य साधक भावे न, साध्य भाव से और साधक भाव से। अभी इसकी अच्छी व्याख्या आएगी इसमें अनुशीलन में विशेष रूप से। साध्य भाव से करो, साधक भाव से करो, द्विधा दो प्रकार से। उपासना के प्रकार दो हो सकते हैं, लेकिन उपास्य एक होगा, उपास्य दो नहीं है, एक आत्मा ही उपासना करने योग्य है। साधक भाव से करो चाहे साध्य भाव से करो, कोई करे, एक आत्मा की उपासना की जानी चाहिए, करने योग्य है। पर वो महावीर जयंती पर नारे लगाते हैं ना, महावीर की जय बोलो, कौन कौन बोलो,
आगे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, इधर से बोलो, उधर से बोलो, हाँ कौन कौन बोले, अम्मा जी बोले, हाँ बाबा जी बोले, और कौन कौन, हाँ कोई बोले, सब बोले, क्या बोलो, हाँ महावीर, मैंने एक महावीर, अभी वो तो महावीर जयंती इसलिए महावीर की बोली जाएगी, जिनकी होगी उस दिन उनकी जय बोली जाएगी, लेकिन सब, लेकिन एक, सबको एक तरफ लाना है वहाँ। एक वो संस्कृत में ऐसा कोई श्लोक आता है, उसमें ऐसा लिखा कि किसी को भी नमस्कार करो वो सब वहीं पहुँचता है, केशवम प्रति गच्छति ऐसा कुछ है, श्लोक भूल रहा हूँ, माने वो आप किसी को भी करो वहीं पहुँचने वाला है, नमस्कार जो हो करके वो वहीं पहुँच जाएगा, उन्हीं के पास पहुँच जाएगा। या कहते कैसे भी उपासना करो, लेकिन उपास्य तो एक आत्मा है और कोई दूसरा नहीं, द्विधा एका समुपास्यताम, उपास्य के रूप में एक होना चाहिए, वो एक आत्मा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे चल करके तो ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से कहेंगे साध्य सिद्धिर न चान्य था, इसके अलावा साध्य की सिद्धि वो मेरे ख्याल 17वीं 18वीं गाथा के उसमें ऐसा लेंगे, तथोपत्ति और अन्यथा अनुपत्ति इस रूप में लेंगे, इस प्रकार से तो साध्य की सिद्धि होती है, ये अन्वय व्याप्ति है, और अन्य प्रकार से नहीं होती, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। ये कैसे कि दर्शन ज्ञान चारित्र से, दर्शन ज्ञान चारित्र से माने क्या कि आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, आत्मा में लीन हो जाए, माने वे सब एक आत्मा की तरफ समर्पित हो जाए, यही साध्य की सिद्धि का एक उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो दूसरा माने वो सब अन्यथा प्रकार से एक होय तृण कालमा परमा रथनो पंथ प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। वो परमार्थ का पंथ तो एक है, निश्चय का पंथ तो एक है, निश्चय से एक उपास्य होगा, अनेक उपास्य नहीं हो सकते हैं, एक उपास्य है निश्चय से। तो कहते उपास बहुत सारी बातें कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, इनकी करो, उनकी बहुत सारे कहे जाते हैं, ये व्यवहार संबंध, पूजा करो, भक्ति करो, ध्यान करो, बहुत सारी बातें भी कही जाती है, वो सब व्यवहार अनेक हो सकते हैं, लेकिन उपास्य उनका एक आत्मा ही होगा, अन्य कोई नहीं। इसलिए द्विधा दो प्रकार से, दो प्रकार यहाँ साध्य भाव साधक भाव के लिए, साध्य साधक भाव से वह एक आत्मा ही उपासना करने योग्य है। दूसरा इसके साथ ये गारंटी भी है, मेरे ख्याल से 23वें कलश में दी है, जिसका बनारसदास जी ने अनुवाद किया, हुई ये प्राप्ति न हुई है ऐसो तू विचारो तू है, अवश्य हुई ये प्राप्ति स्वरूप यो ही जान रही। 34 तो ये क्योंकि स्वरूप ऐसा ही है, उसके प्रवचन में, गुरुदेव के प्रवचनों में कहा, कैसे नहीं हो, जब वहाँ है तो प्राप्त क्यों नहीं होगा, अवश्य प्राप्त होगा। बहन श्री के वचनामृत में एक बोल आता है, आत्मा का लक्ष्य करे और आत्मा की प्राप्ति न हो, 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। पर्याय स्वसन्मुख हुई, आत्मसन्मुख हुई और आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो इसका मतलब आत्मा नहीं है। यदि आत्मा नहीं है तो फिर जगत के पदार्थ, एक द्रव्य का नाश हुआ तो फिर अन्य द्रव्यों का नाश क्यों नहीं होगा। इसलिए 14 राजू तुंग नभ, ये जो पूरा पूरा लोक, जिसमें लोक में जितने पदार्थ है, इस सबसे रहित होगा। आत्मा है तो उसका लक्ष्य करने पर आत्मा का अनुभव निश्चित रूप से होता ही है। इसलिए कहते समुपास्यता, इसलिए उस एक आत्मा की उपासना करो, निश्चित रूप से सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो हुए आज तक क्या, जो हुए आज तक अरिहंत सबने अपनाया, उपदेश दिया इस ही प्रकार हो सबको मेरा। ये मूल गाथा है प्रवचन सार की, इसको भाव लिया उसका, लेकिन पूरा भाव मूल गाथा का है। सब अनंत भगवान जितने हुए हैं, ये द्विधैक समुपास्यताम में है ना, वे शामिल है इसमें,
अरहंत सिद्ध भगवान भी यही कह रहे हैं, वे प्रशांत कह रहा था ना तुम उनको नीचे बुला रहे हो, वे कह रहे थे मैं नीचे नहीं आऊँगा तुम ऊपर आओ, तो वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, कि हम भी यही कर रहे हैं, हम भी यही एक आत्मा की उपासना करो, हमारे जिनेन्द्र भगवान का उपदेश आत्मा की उपासना का है, केले पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात नहीं है, माने दूसरों के लिए दूसरा कहना और अपने लिए दूसरा कहना ऐसा नहीं है, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, वो ऐसा नहीं होगा। अरहंत सिद्ध भगवान ये कहते हैं हम मात्र आपको आत्मा की उपासना करने का उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम भी आत्मा की उपासना कर रहे हैं, तो आप उपासना कर रहे हैं हम किसकी उपासना करें, कि आत्मा की, कि हम तो आपकी शरण में आए हैं आपकी उपासना करेंगे, क्या हमारी उपासना करो, लेकिन आप अपनी आत्मा की करो, क्योंकि हम अपनी आत्मा की उपासना कर रहे हैं, तो आप भी उपासना कर रहे हो क्या, हम भी कर रहे हैं, तो हम तुम्हारे और हम में अंतर क्या है, ये अंतर है ये साध्य साधक भावे ना, वो उनकी साध्य भाव की उपासना है और अभी आपकी साधक भाव की उपासना होगी, तो साधक भाव से करो साध्य भाव से करो, एक आत्मा ही उपासना करने योग्य है। श्लोक बुलवाता हूँ एक बार पुनः, ईश ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिमभीप्सुभी साध्य साधक भावेन द्विधैक समुपास्यताम्। स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुष साध्य भाव और साधक भाव से इस ज्ञान के घनपिंड भगवान आत्मा की ही इच्छुक पुरुष आत्मा की उपासना करे, वो इच्छुक माने स्वरूप की प्राप्ति, इस सिद्धि में अभीप्सु का अर्थ किया स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक, तो आत्मस्वरूप या आत्मस्वरूप की परिपूर्ण दशा मुक्ति, स्वरूप के प्राप्ति के इच्छुक पुरुष भगवान आत्मा की उपासना करेगी। ये पैराग्राफ पढ़ता हूँ फिर इसका श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। यहाँ आचार्य अमृत चंद्र देव उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, आदेश कहाँ से निकाला, लोट लकार से, कि आत्मार्थी पुरुषों, आत्मा का कल्याण चाहने वाले सत्पुरुषों, तुम निरंतर ज्ञान के घनपिंड आनंद के रसकंद इस भगवान आत्मा की उपासना करो, आराधना करो, चाहे साध्य भाव से करो चाहे साधक भाव से करो, पर एक निज भगवान आत्मा की उपासना करो, उपासना करने योग्य तो एकमात्र यह ज्ञान का घनपिंड और आनंद का रसकंद एक भगवान आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। अब बोलिए श्लोकार पद्यानुवाद। शेष फल भी इसके साथ जोड़ दिया, उपासना करेंगे तो क्या फल मिलेगा, कि आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। नाटक समय सार का छंद तत्काल दिया हुआ है, इसलिए दिया क्योंकि इसमें विशेष रूप से साध्य और साधक भाव की भी व्याख्या की, क्या है साध्य भाव क्या है साधक भाव, इसी आधार से अपन भी चर्चा करते हैं। बोलिए Oh,
साधी पद पहली पंक्ति में लिखा है साधी पद और दूसरे में लिखा है साधक। साधी माने साध्य कौन, जहाँ ध्रुव धर्म कर्मक्षय लक्षण सिद्धि समाधि साधी पद सोई, वो साधी पद है, वो साध्य पद है जहाँ समाधि की सिद्धि हो गई है, पूर्णतया समाधि की प्राप्ति हो गई है। कैसी, धर्म पूर्ण प्रकट हुआ है, ध्रुव धर्म और कर्म क्षय लक्षण, कर्म का क्षय हो गया है। तो जहाँ पर धर्म पूर्णतया प्रकट हुआ और कर्म का क्षय हो गया है, वैसे ध्रुव धर्म कर्म क्षय हिंदी में अर्थ करते समय ऐसा लिखा, त्रिकाली भगवान आत्मा के आश्रय से कर्मों का क्षय करके जो समाधि रूप दशा को प्राप्त हुए वह साध्य। तो ध्रुव धर्म, ध्रुव का आश्रय लेकर के प्रकट हुआ धर्म और उससे जो कर्म का क्षय हुआ और उसके कारण से जो समाधि की सिद्धि हुई, पूर्ण समाधि रूप दशा हुई, वह साध्य पद है, सोई साधि पद। और साधक कौन, शुद्धोपयोग जोग महिमंडित, जो शुद्धोपयोग से महिमा मंडित है, शुद्धोपयोग रूप अवस्था से परिणमित हो रहे हैं, साधकता ही कहे सब कोई, उसे साधक कहते हैं। गुणस्थानों में क्या शुभ शुभ और शुद्धोपयोग कहाँ कहाँ कैसे हैं, तो चौथे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभ उपयोग कहाँ, और चौथा पांचवा छठवा बढ़ता हुआ शुभोपयोग कहाँ, और फिर उसके बाद में शुद्ध उपयोग, और कहाँ तक, बारहवें तक, और तेरहवा चौदह और आगे सभी वो शुद्धोपयोग का फल कहाँ। तो सर वो बारहवें तक जो शुद्धोपयोग की दशा है, वो शुद्धोपयोग की दशा उसको साधक पद कहना। शुद्धोपयोग जोग महिमंडित, शुद्धोपयोग के योग से जो महिमा मंडित हो रहे हैं उन्हें सभी साधक कहते हैं। यो परतच्छ परोच्छ रूपसो साधक साधि अवस्था दोई, ये दोनों साध्य साधक अवस्थाएं हैं। कैसी है, एक प्रत्यक्ष है और एक परोक्ष है। जो साध्य अवस्था है वह आत्मा को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आत्मा को प्रत्यक्ष जान रहे हैं, तो अरहंत और सिद्ध दशा जहाँ आत्मा प्रत्यक्ष हो गया है, सर्वज्ञता प्रकट हो गई, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वो प्रत्यक्ष। और बाकी जितने साधक है वह आत्मा को परोक्ष जान करके आत्मा का परोक्ष अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वे साधक सभी परोक्ष। लेकिन दोनों कैसे हैं, दुहु को एक ज्ञान संचय करी, लेकिन दोनों एक आत्मा की उपासना कर रहे हैं ऐसा जानकर, दुहु को एक ज्ञान संचय करी माने दोनों को जान करके एक आत्मा ही आश्रय करने योग्य ऐसा जान करके, सेवे शिव वंचक थिर होई, मोक्ष की इच्छा करने वाले अपने स्वरूप में स्थिर हो करके सेवन करते हैं, माने उसी का आश्रय लेते हैं, उसी में लीन होते हैं एक आत्मा में, क्योंकि दोनों प्रकार से आत्मा की साधना होनी है, इसलिए एक आत्मा में ही स्थिर होने का प्रयास करते हैं। अब इसमें साध्य दशा साधक दशा क्या है, अलग अलग विवक्षाओं से उसका वर्णन किया, पढ़ते यही क्रम से अपन इसमें से, और साथ में समुपास्यता, उपासना करने का अर्थ क्या, उपासना करना माने क्या, कैसे उपासना की जाए, आत्मा की उपासना। नमः समय साराय की व्याख्या के समय विस्तार से की थी चर्चा, आत्मा की हरेक की उपासना की विधि अलग अलग होती है, तो आत्मा की उपासना की विधि अलग होती है। जिनेन्द्र देव की पूजा हो सकती है, देवशास्त्र गुरु की पूजा होती है, किसी ने आत्मदेव की पूजन भी लिखी थी, आत्मदेव पूजन, लेकिन आत्मदेव की पूजा नहीं हो सकती। हाँ यदि पूजा होती है तो उसकी विधि अलग होगी, आत्मदेव की अष्टद्रव्य से पूजा नहीं हो सकती है, कैसे होगी, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम किसे, किसे समर्पित करेंगे, यहाँ अंदर विराजमान तो कैसे करेंगे, अन्य अन्य धर्मों में कहते हैं ना, हाँ दिया और कैसे कैसे होगा वो,
उसकी उपासना की विधि अलग है। देखिए यहाँ आत्मा की उपासना करने का तात्पर्य निज आत्मा की पूजा भक्ति करने से नहीं है, स्तुति वंदना करने से भी नहीं है, नमस्कार आदि करने से भी नहीं है, अपितु उसे सही रूप में जानने से है, पहचानने से है, उसका अनुभव करने से है, उसी में समा जाने से है, उसी का नित्य ध्यान करने से है, ध्यान रखने से है, उसको ही सर्वस्व मानने से है, उसी में पूर्णतः समर्पित हो जाने से है। यही निज भगवान आत्मा की उपासना की विधि है, आराधना की विधि है, साधना की विधि है। यही उपाय है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब तक सीधा आत्मा उपलब्ध हुआ हो तो आत्मा की ये उसी को जानना पहचानना उसमें लीन होना, आत्मा अभी पहचान में नहीं आया है, आत्मा का भली भांति ज्ञान श्रद्धा नहीं हुआ है, तब तक क्या करना। उसका स्वरूप समझने के लिए स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, पढ़ना, पूछना। दादा के प्रवचन में भी चर्चा आ रही थी, आज ही थी कल थी, इसी के संदर्भ में वीर सागर जी ने स्वाध्याय कैसे करना वो बताया, विनय पूर्वक करना, सम्यक ज्ञान के अंगों की चर्चा की। बोले ठीक है, तो एक स्वाध्याय अपनी तरफ से इसी के संदर्भ में पूछना, विचार करना, पढ़ना, मनन करना, ये सब इसी के संदर्भ में होना, तो आत्मा से जुड़ करके सभी क्रियाएं होना, तो वो भी उसमें शामिल हो सकती है आराधना में, आत्मा की आराधना में। सच्ची आराधना तो जानकर पहचानकर लीन होने के बाद ही होगी, उसके पहले नहीं होगी। निज भगवान आत्मा की उपासना दो प्रकार से होती है, साध्य भाव से, साधक भाव से। अब कौन साध्य भाव में, कौन साधक भाव में, इसको अलग अलग तीन चार प्रकार से बात करते हैं। पहले गुणस्थानों के अनुसार, चौथे गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक साधक, चौथे गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक। चौदहवें गुणस्थान तक कैसे कह रहे हैं, जब हम कहते हैं 3 x 9 crore मुनिराज, कहाँ से कहाँ तक आते हैं उसमें? मुनिराज की अपेक्षा छठवें से आते हैं, लेकिन कहाँ तक? चौदहवें तक आते हैं। तो मैंने चौदहवें तक मुनिराज लिए ना, वे सभी साधक हैं। क्या सिद्ध करना चाहते कि मोक्ष दशा, उस दृष्टि से कहते ये सभी साधक दशा में, और सिद्ध अवस्था साध्य दशा है, या फिर अथवा चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक साधक दशा, अरहंत और सिद्ध दशा साध्य दशा। बनारसदास जी के अनुसार शुद्धोपयोग वो साधक दशा है, और शुद्धोपयोग का फल अरहंत और सिद्ध दशा, वो साध्य दशा। वो उसमें एक विवक्षा ये भी दी कि चूंकि अरहंत और सिद्ध दोनों को साध्य दशा में इसलिए लेना कि उसे प्रत्यक्ष लिया, अरहंत और सिद्ध भगवंतों को ही प्रत्यक्ष हुआ, इसलिए वो साध्य दशा में आए दोनों, और बाकी सभी अभी परोक्ष अवस्था में हैं, तो वे सभी साधक अवस्था में आएंगे। तो चौथे से 12वें तक यदि अकेले सिद्ध भगवान को साध्य मानते हो, जैसे पहली गाथा के टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीया, तो सिद्धपने से साध्य अपना आत्मा, अपना आत्मा कैसा साध्य है, जैसे सिद्ध भगवान, माने एक सिद्ध दशा ही साध्य, तो वो साध्य भाव हो जाएगा। और या फिर 12वें तक साधक और उससे आगे अरहंत और सिद्ध दोनों साध्य। इसे दूसरी तरीके से स्पष्ट करते हैं, पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति हो जाना साध्य दशा है, और आत्मोपलब्धि होकर पूर्णता की ओर अग्रसर होना साधक दशा है। ये परिभाषा के रूप में समझ लो, पूर्णता की प्राप्ति व साध्य, और आत्मा की उपलब्धि होकर के पूर्णता की ओर लगे हुए हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे, साधक। इसी को और अथवा आत्मा में उपयोग का केंद्रित हो जाना और फिर बाहर आ जाना, फिर उपयोग आत्मा में स्थिर होना, फिर उपयोग बाहर आना, इस प्रकार उपयोग बारंबार आत्म सन्मुख होता है फिर आत्मा से बाहर आ जाता है, ये दशा जब तक चल रही है तब तक साधक दशा।
और शुद्धोपयोग में अनंत काल तक के लिए समा जाना साध्य दशा। उपयोग आत्मा में इस प्रकार से समा गया, अब फिर से बाहर नहीं आएगा, अब पूर्ण हमेशा के लिए स्थिर हो गया तो साध्य दशा, और पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया फिर उपयोग बाहर आया, फिर पुरुषार्थ पूर्वक स्वसन्मुखता से फिर उपयोग स्वसन्मुख हुआ, आत्मलीन हुआ। ये दशा जब तक चलती रहेगी वो शुद्धोपयोग की दशा है, वो साधक दशा है, वो सभी साधना कर रहे हैं, पूर्णता के लिए साधना कर रहे हैं, तो ये सभी साधक दशा के रूप में आएगी। बाकी और चर्चा इसमें से आप पढ़ लेना, और कोई विशेष बात इसमें नहीं है। ये साध्य दशा और साधक दशा, और दोनों दृष्टियों से एक आत्मा की उपासना करने की बात कही गई है। एक अंतिम जो प्रश्न इसमें लिखा कि आप कह रहे हैं कि साध्य भाव से कौन उपासना कर रहे हैं, अरहंत और सिद्ध भगवान, माने भी उपासना करने वाले में उपासक है। हम तो समझते थे हम उपासक हैं और वे हमारे उपास्य हैं, आप तो अरहंत सिद्ध भगवान को भी उपासक कह रहे हैं, क्या ये भी उपासक है? लेकिन उनका उपास्य कौन है? कि उनका उपास्य एक निज भगवान आत्मा है। उपास्य निश्चय से देखा जाए उपास्य उपासक भाव दो में घटित नहीं होता है, एक में घटित होता है। नए उपासक और सिद्ध भगवान या अनंत भगवान हमारे उपास्य ऐसा नहीं व्यवहार है। निश्चय से मैं ही उपास्य और मैं ही उपासक हूँ, तो अरहंत सिद्ध भगवान भी अपनी आत्मा की निरंतर उपासना कर रहे हैं। टोडरमल जी ने लिखा, सिद्ध भगवान लौटकर पुनः संसार में नहीं आते, इसका क्या कारण है? ये उनके श्रद्धान का बल जानिए। तो श्रद्धान का बल जानिए का मतलब क्या? वे निरंतर अपनी आत्मश्रद्धा सायिक समकित से आत्मश्रद्धान कर रहे हैं। वे यदि श्रद्धा से च्युत हो जाए तो फिर से वापस संसार में आएंगे, मिथ्या तो हो जाएगा लेकिन होगा नहीं कभी। वे निरंतर चारित्र है ना, क्षायिक चारित्र प्रकट हुआ है ना, तो क्षायिक चारित्र का कार्य क्या है? कि लीन होना, तो उससे प्रति समय आत्मलीन हो रहे हैं। लोक में भी किसी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में टॉप पर पहुंचना हो तो मेहनत करना पड़ती है, और उस क्षेत्र में वो टॉप पर पहुंच गया, अब तो कुछ नहीं करना है ना, ये कुछ करना पड़ेगा, अब क्या करना है? पहुंच गया टॉप पर, अब कुछ नहीं करना है। वो चैन सिस्टम वाले ऐसे ही समझाते हैं हमेशा, आप तो मेहनत करना, फिर इस पर पहुंचोगे, फिर इस पर पहुंचोगे, फिर इस पर पहुंचोगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर अपने आप होता रहेगा। नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं बस इतना करना कि अपने समझाते रहना लोगों को नीचे कि वे बराबर काम करते रहे, और वे करते रहेंगे तो पहुंचेगा, और वो नहीं करना छोड़ देंगे तो फिर थोड़ी बने रहोगे तुम, तो इसलिए वो बड़ा प्रेरित करते रहना। तो कुछ नहीं करना है ना, नहीं वो अपने आप होता रहेगा, लेकिन उनको प्रेरित करते रहना। क्यों? यदि उस पर बने रहना है तो। कोई भी किसी भी क्षेत्र में ऊपर भी पहुंचा हो, बिना कुछ किए वहाँ बना नहीं रह सकता है, माने पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और पहुँचने के बाद वह पोजीशन बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना पड़ता है, बल्कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, और उसी स्थिति में बने रहना। वो नीचे से जब शुरुआत की थी ना, वो थोड़ी थोड़ी चलती है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब वहाँ पहुँचा है तो वहीं बने रहना है, तो पूरे प्रयास के साथ, पूरे ताकत के साथ में। यदि उसमें कमी लाया तो फिर नीचे खिसकता चला जाएगा, इसलिए कमी नहीं रहती। ऐसे ही अरहंत, ये अलग बात है कि जो प्रयास करके प्रैक्टिस करके परफेक्ट आया है वो सहज होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान स्वरूप लीन हो गए, वो सहज अब उपयोग, चूंकि पर सन्मुख हो ही नहीं रहा है, तो पर सन्मुख नहीं हो रहा है तो पर सन्मुखता से हटकर स्वसन्मुख होना, ऐसा कोई अलग से करने की जरूरत नहीं, स्व ही सन्मुख है, लेकिन वह स्वसन्मुखता निरंतर हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, निरंतर हो रही है, और उस स्वसन्मुखता के कारण से उस स्थिति में टिके हुए हैं। इसका मतलब वे भी आत्मा की उपासना कर रहे हैं,
आत्मा में ही लीन हो रहे हैं, तो वे भी आत्मा की उपासना, चूंकि वह पूर्णता की उपासना है इसलिए उसको साध्य भाव की कही, नीचे अपूर्ण है इसलिए अपूर्णता की अपेक्षा कही। क्या करते हैं, जानते हैं, पहचानते और लीन होते हैं, माने श्रद्धा, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो वही दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही करने योग्य है, इसकी चर्चा अगली गाथा में करेंगे।